मेट्रो हाइक को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ है NSUI के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे मेंबर्स भी हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरह से मेट्रो का हाइक हो रहा है, आम कम्यूटर्स को तो मोस्टली प्रॉब्लम्स हो रही है बट स्टूडेंट्स भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? सर, सबसे पहली बात कि दिल्ली मेट्रो ने पिछले एक साल के अंदर 100% तक अपना किराया बढ़ाया हुआ है और दिल्ली मेट्रो जो है वो दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के अंडर ही आती है। और आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र जब उसको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा, एक प्राइवेट फ्लैट या पीजी में रहने को मजबूर है, वो एक प्राइवेटाइजेशन की मार से, मोदी सरकार की प्राइवेटाइजेशन की मार से मजबूर है। और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप DTC बस की लो तो 6 महीने का पास 525 रुपये का पड़ता है, लेकिन अगर एक आम छात्र दिन में मेट्रो में ट्रैवल करे तो एक दिन का किराया औसतन 100 रुपये पड़ता है। तो आज वो आम छात्र जाए कहाँ? दिल्ली मेट्रो से बढ़िया कोई सुविधा सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाई और ना ही इन लोगों ने कोई बच्चों को अकोमोडेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाई। तो एक तरफ से आप उनको प्राइवेट अकोमोडेशन से मार रहे हैं, एक तरफ से आप उनको प्राइवेट एजुकेशन से मार रहे हैं, और तीसरा जो आपने अपना हथियार बनाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में तब्दील कर उसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करो, तो इससे आज छात्र परेशान है, इसलिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है, उसमें ही आपको पूरा महीने की फीस वगैरह बहुत चीज़ें करती है। जब मेट्रो का ये फेयर बढ़ जाता है उससे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है? मेट्रो का फेयर जैसे आप 3 साल पहले देख सकते हैं, गुड़गांव का कोई स्टूडेंट ट्रैवल करके आता था तो उसका किराया 30 रुपये होता था, आज वही किराया बढ़ के 60 रुपये 65 रुपये हो चुका है। अगर आज हमने इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और स्टैंड नहीं लिया तो ये किराया आने वाले दिनों में 100 रुपये हो जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लेके लगातार पिछले डेढ़ साल से NSUI लड़ाई लड़ रहा है, और स्टूडेंट के जैसे मेट्रो बस पास होता है DTC, उसी तर्ज पे हम मेट्रो पास की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो मंथली पैसा स्टूडेंट को अपने जेब खर्ची का घर से मिलता है स्टूडेंट लाइफ में, उसके अंदर जो उसका बजट होता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मेट्रो पास स्टूडेंट के लिए बनाया जाए दिल्ली के स्टूडेंट के, जिसे उसके खास छूट मिले। जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए मेट्रो पास चलाया गया, तो आज हम प्रशासन से यही पूछने जा रहे हैं कि अगर वहाँ पास एप्लीकेबल हो सकता है तो यहाँ क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली गवर्नमेंट को या दिल्ली यूनिवर्सिटी को उसको एप्लीकेबल करने में। तो इसी चीज़ को लेकर आज हमारा सिम्बोलिक मार्च है, उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे। तो अंत में ये जानना चाहूँगा कि अगर सरकार आज प्रोटेस्ट के बाद बात नहीं मानती, नहीं सुनती, तो आने वाले टाइम में क्या रणनीति हो? NSUI का ये मेन मैनिफेस्टो में हमारा ये पॉइंट भी रहेगा मेट्रो कंसेशन का, और अब की बार जब दोबारा NSUI डूसू में जीत के आएगी तो हम बाकायदा इसको कम भी करवाएंगे, चाहे हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े, कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम लगातार संघर्ष करेंगे। लगातार पिछले 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम इसको मुमकिन करवाएंगे कम करवाने में। कि जब तक फेयर्स कम नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। विद कैमरा रोहित शर्मा, प्रेज चौहान, 10 न्यूज़, दिल्ली।